हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो लेकर हम आपके सामने आए हैं। इसमें हम 1 ईयर्स के बच्चे का स्वेटर की डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया है, तो फिर देर ना करते हुए आइए हम इसको सीखते हैं कैसे बनाना है। ये स्वेटर का फर्स्ट पार्ट है। इसकी फुल वीडियो हम डाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम इसके आगे का स्वेटर बनाना सीखेंगे। तो हमने डिज़ाइन बनाने के बाद सारे फंदों को डिवाइड कर लिया है। ये हमारे आगे के पार्ट है, ये हमारी आस्तीन है, ये हमारा पीछे का पार्ट है। आगे के पार्ट में हमने 35 35 यानी कि 35 35 फंदे रखे हैं। आस्तीन में 37 37 यानी कि 37 37 फंदे रखे हैं। और पीछे हमने 60 यानी 60 फंदे रखे हैं। तो सबसे पहले हम आस्तीन के फंदों को इसमें एक सेफ्टी पिन में उतार लेते हैं। इसी तरीके से ये आस्तीन का भी सेफ्टी पिन, दोनों आस्तीन का फंदा सेफ्टी पिन में चढ़ाने के बाद अब हम यहाँ से बुनाई स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम दूसरा कलर लगाते हैं। आप चाहे तो इसी कलर का बुन सकते हैं, पर हमने दूसरा कलर लगाया है। ये हमारी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई में हम सारे फंदे उल्टे बीनेंगे। तो फर्स्ट फंदा उतारने के बाद नहीं फर्स्ट फंदा उतारना इस तरीके से सेफ्टी पिन लगाते हुए हम पीछे का पार्ट बीनेंगे। इसी में पीछे का पार्ट बीन लिया है। अब इसमें हम यहाँ पे भी सेफ्टी पिन लगाते हैं और ये हम इसी में आगे का पार्ट बीन लेते हैं। सीधी सिलाई में हम फर्स्ट फंदा उतार लेते हैं। ये 7 फंदे जो हमने बटन पट्टी के बनाए थे, इसको हम ऐसे बीन लेंगे। ये हमने पट्टी बटन पट्टी के बीनने के बाद हम इसमें डिजाइन बनाएंगे।
दो फंदे हमें और उल्टे भी लेना है। ये हमारी चार सिलाई की डिजाइन है। फिर ऊन को पीछे करते हुए हमको यहाँ से ये फंदा उठाना है और ये फंदा बीन लेना है और एक फंदा ये भी बीन लेना है। और फिर जो हम दोनों फंदे बीने हैं हम सीधे उसके बीच से हमको ये इस तरीके से उतार देना है। फिर ऊन को आगे करते हुए दो फंदा बीनना है, फिर ऊन को पीछे कर देना है, फिर यहाँ से एक फंदा उठाते हुए हमें ये वाला फंदा बीन लेना है और एक फंदा और बीन लेना है। फिर दो फंदे जो हमने बीने हैं उसी को इसमें से उतार देना है। ये हमारा लास्ट में एक फंदा बचा। आप चाहे तो पीछे सादा बीन सकते हैं और अगर डिजाइन डालना चाहती तो फिर उनको आगे कर लीजिए और दो फंदे ये सीधे बीन लीजिए। और फिर इसी तरीके से रिपीट करते हुए हमें यहाँ तक ये पूरी सिलाई बना लेना है। और ये जो हमने बॉर्डर पट्टी के 8 फंदे बनाए हैं इनको उल्टे ही बीनना है। तो अगर जो हमें डिजाइन ही डालना है तो हम ये सेफ्टी पिन इससे निकाल देते हैं और इसमें डिजाइन डाल देते हैं। अगर जो डिजाइन नहीं डालना है तो हमें सेफ्टी पिन डाले रहना है। आठ फंदे बॉर्डर बीनने के बाद हम उनको पीछे कर लेते हैं और ये सारी सिलाई हम सीधे सीधे फंदों से बीनते हैं। इस तरीके से हमको बीन लेना है। नेक्स्ट सिलाई में भी 8 फंदे बॉर्डर बनाने के बाद दो फंदे हमें और उल्टे बीनने हैं, फिर उनको पीछे करना है। फिर उनको पीछे करते हुए हमें यहाँ से ये फंदा उठाना है और एक फंदा ये बीन लेना है, एक फंदा और बीन लेना है। फिर दोनों फंदों से हमें ये उठा देना है।
इसी तरीके से रिपीट करते हुए हमें सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरीके से रिपीट करते हुए मैं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये हमारे आगे और पीछे के दोनों के पल्ले हैं, तब डिजाइन डालते हुए हमने लगभग 8 इंच का बीन लिया है। अब इसमें के बाद अब हम बॉर्डर बनाएंगे, तो बॉर्डर हम जिस तरह गले में बनाया था इसी तरह हमको बॉर्डर बनाना है। आठ फंदे बॉर्डर के बीनने के बाद हम यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे। इसी तरीके से हमको आगे के पल्ले में 2 फंदे और पीछे के पल्ले में 6 फंदे और फिर आगे के पल्ले में 2 फंदे बीच बीच में घटाना है। इसी तरीके से बीनते हुए उल्टी उल्टी सिलाई बीनते हुए हमको लगभग 8 सिलाई बीन ले। बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद हमें सारे फंदों को बंद कर देना है। इसी तरीके से हमको ये सारे फंदे जो हैं बंद कर देने हैं।
यह स्वेटर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने आस्तीन में सेफ्टी पिन लगाई थी वो आस्तीन के फंदे चढ़ाएंगे। ये जो सारे फंदे हमको सिलाई में चढ़ा लेना है। इसमें कुछ फंदे तो हमारे खुल गए हैं तो इनको हम बीनते हुए इस वाली चढ़ाई पे चढ़ाते जाएंगे, फंदा कर देंगे। ये आप देख सकते हैं आधा फंदा चढ़ा हुआ, तो इसको हम खोल के यहीं पर से सही कर देते हैं और पूरा फंदा बीन लेते हैं। एक बार हम चेक कर लेते कि हमारा फंदा कहीं छूटा तो नहीं है। दूसरे कलर की ऊन लगा लिया हमने और अब हम 12 फंदे सीधे बीनेंगे। दो फंदे उल्टे बीनेंगे, फिर उनको पीछे करते हुए डिजाइन डालना है यहाँ पे। तो हम ये फंदा उठाते हैं और इस तरीके से बीनते हैं, एक फंदा बीन लिया और फिर ये एक और बीन लिया और फिर जो उतारा हुआ फंदा है हम इसको दोनों फंदों से उतार देते हैं। फिर दो फंदे उल्टे बीनना है। फिर उनको पीछे करते हुए डिजाइन डालना है। अभी इधर 12 फंदे हमारे बचेंगे, इनको हम सीधे ही बीन लेते हैं। बारह फंदे बीनने के बाद उनको हम पीछे कर लेते हैं और जो हमने डिजाइन डाली थी वो सारे फंदे हमें सीधे बीनने हैं। फिर उनको फिर आगे कर लेते हैं और ये जो 12 फंदे हमारे बचे हैं इनको फिर हमें उल्टे बीनना है।
बारह फंदे सीधे बीनने के बाद दो फंदे हमें उल्टे बीनना है। उल्टी सिलाई में हमने ये 12 फंदे सीधे बनाए, उल्टे बनाए थे, फिर 12 फंदे सीधे बनाए, अब फिर 12 फंदे हम उल्टे बीनेंगे। सीधी सिलाई में हम फिर 12 फंदे सीधे बीन लेंगे। ये सारे फंदे हम सीधे बीन लेंगे। पल्ले से हम आस्तीन नाप लेते हैं, आस्तीन हमारी लगभग हो चुकी है, तो अब हम 8 इंच 8 सिलाई बॉर्डर बीनेंगे। और साथ में हम ही 5 फंदे घटाएंगे, मतलब एक किनारे इधर अब एक इधर और 3 बीच में। ये उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई में ही फंदे घटाना है। एक फंदा में लास्ट में घटा देंगे। सीधे तरफ से भी हम उल्टी उल्टी सिलाई बीनते गए, हमें 8 सिलाई बीन लेना है। अब हम इन सारे फंदों को बंद कर देंगे।
इसी तरीके से हमको दूसरी आस्तीन कंप्लीट कर लेनी है। स्वेटर बनकर कंप्लीट हो चुका है। मेरी वीडियो अगर जो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने बच्चों का इस तरह स्वेटर बना सके। थैंक यू।